आपने ब्राउन काउ देखी होगी, आपने ब्लैक एंड व्हाइट काउ देखी होगी, और फिर आपको लगा होगा कि आपने सब कुछ देख लिया। तो दोस्तों, आपको भी अगर ये गलत फहमी है तो आज की वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही तो है, क्योंकि आज आप कुछ ऐसी गायों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में सोचना भी आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि इंसान सिर्फ उतना ही सोच सकता है जितना उसने देखा, सुना और समझा हो। और आज आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसके बारे में आपने दूर दूर तक न सुना होगा न समझा होगा। और हाँ, खुद को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप हर एक पल में हैरान होंगे। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी शानदार वीडियो। ब्राह्मण, सबसे पहले आप इस जायंट कैटल पर अपनी नजर डालिए, जिसका न सिर्फ साइज बड़ा है बल्कि ये गाय कुछ भी आराम से झेल सकती है। जी हाँ, ये गाय वाकई में बहुत शानदार है, जो कि कैटल की दुनिया की टर्मिनेटर कहलाई जाती है। बॉस इंडिकस, जो कि हमारे भारत की बहुत ही पवित्र गाय मानी जाती है, उसे ब्राह्मण बनाई गई है। और जब से ये दुनिया में मौजूद है, तब से इन्होंने तरह तरह की कंडीशन को झेला है, फिर चाहे वो गंभीर से गंभीर बीमारी हो या फिर भारी बारिश या सूखा पड़ना जैसी समस्याएं, यहाँ तक कि इन्होंने पैरासाइट्स को भी झेला है। अब आपको लग रहा होगा कि इन सभी चीजों ने इन गायों को कमजोर बना दिया होगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ, और इन सभी सिचुएशन में रहने की आदत के कारण अब ये और भी ज्यादा मजबूत और हर तरह की सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल अनुकूल हो गई है। इन्हें और भी ज्यादा मजबूत और जॉइंट बनाने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के वैज्ञानिकों ने 3 अलग अलग तरह की भारतीय गायों को मिलाकर ब्राह्मण का एक अलग ही वर्जन निकाला, जो कि बहुत ही ज्यादा जॉइंट है। और इस ब्रीड की गाय इतनी जल्दी लंबी होती है कि किसी को पता नहीं चलता। इनका कलर भी काफी ज्यादा अनोखा और अलग होता है। उसके साथ ही इनके शोल्डर में एक बड़ा सा हम्प होता है, और इनकी पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा मसल्स होते हैं। ये सभी बातें इस गाय को बहुत ज्यादा अनोखी बनाती है। साउथ डेवोन, अगर यूनाइटेड किंगडम में ट्रेवल करते वक्त आपको एक बेहद ही लाल और भूरे रंग के कॉम्बिनेशन से बने कलर की गाय रास्ते में चलते हुए मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने पूरे ब्रिटेन की सबसे बड़ी कैटल देख ली है। ये फ्लफी सी दिखने वाली गाय या तो लाल रंग की होगी या फिर इसका शेड थोड़ा ब्राउनिश होगा, जो कि आपको यूनाइटेड किंगडम में कई जगह पर देखने को मिल जाएगी, जिनमें से कुछ के सींग होते हैं और कुछ के नहीं होते। पर इनका साइज काफी अहम किरदार निभाता है, क्योंकि बहुत ही जायंट होती है। पर बदकिस्मती से इस विशालकाय गाय को मीट के लिए पाला जाता है, जहां एक फीमेल गाय 1500 पाउंड तक की होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अब तक इस ब्रीड की सबसे हैवी गाय 4400 पाउंड की पाई गई। और सिर्फ इनका साइज ही फैक्टर नहीं है, बल्कि ये गाय बहुत जल्दी बड़ी होती है, फिर चाहे वो शारीरिक रूप से हो या फिर मैच्योरिटी के लेवल से। इसका साफ मतलब ये है कि इस गाय की ब्रीड सभी ब्रीड से पहले अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि और भी ज्यादा अनोखी बात है, और इसी वजह से इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है। चियानीना, अब जिस गाय के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उसकी हिस्ट्री आपको हैरान करके रख देगी, क्योंकि जहां तक वैज्ञानिक बताते हैं, उसके अनुसार ये गाय ब्रॉन्ज एज से हमारी धरती पर मौजूद है, जिसे अफ्रीका और एशिया में पाला जाता है, और ये अब तक का सबसे ओल्डेस्ट काउ ब्रीड है, जो इस समय अभी भी एग्जिस्ट करती है। इनका वजन करीब 2800 पाउंड के लगभग होता है। वहीं अगर हम इनकी लंबाई की बात करें, तो ये 5 फुट 8 इंच लंबी होती है, और इनका शोल्डर भी 5 फुट लंबा होता है। दोस्तों, अब तक आपको इन सभी चीजों से पता चल गया होगा कि ये गाय इतनी ज्यादा बड़ी और खतरनाक दिखती है कि कोई भी इनसे डर जाएगा। लेकिन इतना विशालकाय आकार होने के बावजूद भी ये गाय उतनी ज्यादा गुस्सैल नहीं होती जितना बाकी विशालकाय गाय होती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इन्हें इनके इस शानदार यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से पहचाना जाता है, और इनका बेहद ही सहनशील नेचर लोगों को और ज्यादा इनकी ओर आकर्षित करता है। द जर्मन एंगुस, जब कभी भी आप एंगुस शब्द सुनते होंगे, तो आपके दिमाग में एक चीज तो आती होगी, और वो कुछ और नहीं बल्कि मैकडोनल्ड्स की बहुत ही डिलीशियस एंगुस पेटी है, जिसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं, और आपको भी ये पसंद आई होगी। लेकिन एक जर्मन एंगुस नाम की कैटल भी इस दुनिया में मौजूद है, जिनकी सबसे खास बात इनका मीट है, जिसे खाते ही किसी का दिमाग चकराने लग सकता है, क्योंकि इनका मीट बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। कैटल की ये ब्रीड 1950 में 3 गायों को आपस में क्रॉस करने की वजह से बनी थी, जिनके मिश्रण से ये शानदार गाय तैयार हो गई, और शायद इसी वजह से इसका टेस्ट भी उतना ही शानदार है कि लोगों को अपना दीवाना बना देता है। और तो और, इनका मीट बहुत कम फैट वाला होता है, जिसकी वजह से लोग और इसे खाना पसंद करते हैं। वही ये गाय बहुत ज्यादा मिल्की है, और इनका शरीर भी काफी विशालकाय होता है। और अगर हम इनके वजन की बात करें, तो ये एवरेजली 2600 पाउंड की होती है, और ये सभी तीनों चीजों पर खरी उतरती है, फिर चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, मीट हो, या फिर इनकी ग्रोथ हो।
इसकी वजह से इनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर हाँ तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए ला सके। द ग्लेन। फार्मर्स हमेशा एग्रीकल्चरल वर्ल्ड में हर चीज बेस्ट चाहते हैं, इसीलिए तो उन्हें ऐसी कैटल चाहिए जिसका मीट काफी स्वादिष्ट हो और ऐसी शीप चाहिए जिसका वूल सॉफ्ट हो। वैसे शीप का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कैटल जरूर ऐसी मौजूद है जो इस तरह की कमी को पूरा कर सकती है, और वो ब्रीड कोई और नहीं बल्कि द ग्लेन, जिसे पाने के बाद कोई भी फार्मर इतना खुश हो सकता है जैसे उसे सोना चांदी मिल गया हो। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कैटल बहुत ही रेयर होते हैं, यानी अगर साफ शब्दों में कहें तो इस दुनिया में मात्र 2000 द ग्लेन कैटल ही मौजूद है, और ये बाकी सभी कैटल से बहुत ही ज्यादा अलग है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये कैटल आपको मात्र जर्मनी में ही देखने को मिलेंगी, और जर्मनी में भी एक पर्टिकुलर रीजन में। उसके अलावा आपको पूरी जर्मनी में ये कैटल कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत में यहाँ पर ब्राउन स्विस कैटल इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन उसके बाद द ग्लेन का फॉर्मेशन हुआ जिसे दो कैटल को क्रॉस कराने से बनाया गया, और ये दोनों ही कैटल बहुत ही ज्यादा शार्प और अनोखी थी, जिस वजह से द ग्लेन कैटल का फॉर्मेशन हुआ। और फिर लोगों ने इसके मीट का टेस्ट और इसका स्ट्रक्चर देखा, जिसके बाद सभी को ये बहुत पसंद आई। और फिर क्या था, जैसे ही लोगों ने इसे पसंद किया वैसे ही भारी मात्रा में इसकी डिमांड बढ़ गई, और अब ये सारा खेल बदल चुका है क्योंकि इसके मीट का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना पहले आता था, इसलिए लोगों ने इससे भी स्विच करके दूसरी गायों को पालना शुरू कर दिया है। द पार्थनेज। अगर कोई बहुत ही शानदार लुक्स वाले कैटल का कॉम्पिटिशन होगा तो द पार्थनेज ये कॉम्पिटिशन पक्का जीत जाएंगी, जिसकी साफ वजह तो आप इस वीडियो में देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि इनका लुक वाकई में बड़ा शानदार और अनोखा है। ग्रे, ब्राउन, लाइट ब्राउन जैसे कई सारे कलर में ये शानदार गाय आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पर आपको इन गायों के थोड़े बहुत मसल्स भी बने हुए दिख जाएंगे जो कि किसी को डराने के लिए काफी है। ये कैटल मेनली फ्रांस से ओरिजिनेट हुई, उसी के साथ ये फ्रांस की सबसे पुरानी ब्रीड है। इनके लुक्स के साथ साथ इनका नाम मिल्क प्रोडक्शन और मीट में भी काफी है, जहां पर ये ठीक ठाक मिल्क प्रोडक्शन तो कर ही देती है और इनका मीट भी कुछ कम टेस्टी नहीं होता। दोस्तों पहले के समय में आधे से ज्यादा फ्रांस में इन्हीं गायों का दूध भेजा जाता था जिसे लोग भारी मात्रा में पीते थे, लेकिन अब इनके दूध का नहीं बल्कि मीट खाने का ट्रेंड ज्यादा है। और अगर हम इनके एवरेज वेट की बात करें तो वो 2800 पाउंड है, जिससे आपको इनके आकार का अंदाजा लग ही गया होगा। मैंने एंजो। 19वीं सदी में फ्रांस के फार्मर्स को एक ऐसी कैटल चाहिए थी जो बहुत जल्दी बड़ी हो जाए, जिसकी मसल्स भी बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा जेंट हो, और इनकी इन सभी डिमांड को पूरा करने का काम करती है मैंने एंजियो कैटल। क्योंकि ये हर तरह से फ्रांस के फार्मर्स के डिमांड पर खरे उतरते थे, चाहे फिर साइज की बात हो या फिर ग्रोथ की। उसके साथ ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे, पर फार्मर्स को इससे भी संतुष्टि कहाँ थी, उन्हें तो हर चीज पर एक चाहिए थी। इसी वजह से इन्होंने इंग्लैंड के एक कैटल ब्रीड के साथ मैंने एंजियो का क्रॉस करवाया, और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल हुआ, जहां पर फार्मर्स को एक ऐसी गाय की ब्रीड मिली जो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी थी, और इसी वजह से ये उस समय की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो गई, जहां पर फ्रांस में हर कोई इस गाय की ब्रीड को पसंद कर रहा था। इनको पसंद करने की सबसे बड़ी वजह इनके फीडिंग के तरीके और काफी जल्दी ग्रो करने की एफिशिएंसी है, क्योंकि इस गाय में हर वो चीज है जो एक फार्मर को चाहिए होती है, या फिर आप ये कह लीजिए कि ये उससे भी एक हाथ आगे है, जहां पर इसका जेंट शरीर फार्मर की सभी डिमांड को पूरा करने के साथ साथ उन्हें खुश रखने का भी काम करता है, और इसी वजह से गाय फ्रांस में सभी के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।